स्टैकिंग का चैनल आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं मामा एक अंडांगी। तो भाई आज मैं आपसे क्या है बात करूंगा कि भाई कितने की मैंने ये मशीन खरीदी। तो मैंने 4 साल पहले खरीदी थी, ये मेरी पहली मशीन थी और मेरे पास बस कुछ नहीं था। एक एप्सन का जो प्रिंटर है कुछ इस तरह से, वो 419 था, सॉरी HP का था, वो ख़राब हो गया था। वो ख़राब इसलिए हो गया था, लोकल लिंक डाल दी थी इसकी वजह से, उस टाइम मेरे को पता नहीं था। एंड एक ये लैपटॉप था मेरे पास और कुछ नहीं था, एक पैकेट पेपर लाया था। उसके बाद जब मैंने ये मशीन ली ना, तो मैंने क्या करा भाई, इंडिया मार्ट पे क्या है, मैंने वहाँ पे अपना नंबर डाला। बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए कि भाई हम मशीन दे देंगे आपको, क्योंकि क्या है डिटेल डालते ही सब कॉल करने लगते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि कोई कॉल नहीं आता। अगर आप भी खरीदना चाहते हो ना मशीन, और या कुछ किसी को क्या कहते हैं पूछना है कितनी क्या मशीन है, या आपके पास कोई बंदा नहीं है देने वाला मशीन आस पास में, तो इंडियन मार्ट पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा मैं इंडियन मार्ट का, ठीक है, जितनी भाई उन्होंने मेरे को पैसे दिए। मैंने वहाँ से ली थी, मतलब ली क्या थी, वहाँ से मेरे को नंबर मिल गया था इसलिए। तो बहुत जगह मैंने फ़ोन करा, एंड फ़ोन करने के बाद पता चला कि भाई मशीन 1,30,000 की दे रहा है कोई, 1,25,000 की दे रहा है कोई, 1,50,000 की दे रहा है। तो धीरे धीरे करके मैंने अपने उसमें क्या कहते हैं डायरी में लिखना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये इतने की दे रहा है, फलाना इतने की दे रहा है। एंड इनका मशीन वालों का सिस्टम ये होता है भाई, ये GST पहले बताते नहीं है, ठीक है, आपको बोल देंगे 1,20,000 की। जब लेने जाओगे, जब बोलेंगे ओह जी इसमें तो 18% GST और जुड़ेगी आपकी, तो फिर वो और बढ़ जाती है। ठीक है, अगर 1,00,000 रुपये की मशीन है तो 18,000 तो यही हो गए, तो पहले बताते नहीं है। अगर आप आज भी उनके पास कॉल करोगे तो कुछ ऐसे ही बोलेंगे भाई 1,50,000 की मशीन है, ठीक, उसके बाद में बताएं कि इसमें GST और इंक्लूड है। इससे अच्छा पहले GST इंक्लूड करके बता दे तो वही बढ़िया है। पर सबका अलग अलग फंडा है बताने का, पर हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, हमें तो मशीन चाहिए और हमें पैसे देने हैं। तो भाई, तो जब मैंने ये मशीन ली तो कोई कह रहा था कि भाई अगर हम सस्ती देंगे तो हम आपको ये ADF नहीं देंगे, ये ADF भी काफ़ी महंगा आता है और इस बड़ी वाली मशीनों के लिए तो सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है, इसके बगैर तो मशीन कोई बात नहीं। प्रिंट दे सकते हो पर फोटो कॉपी लूज जो पेपर होता है वो उसमें काम नहीं आएगी, प्रिंट तो आप कंप्यूटर से कितने दे दो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबको मैंने बता दिया भाई मेरे को क्या कहते हैं, ऐसे ही बोल दिया मैंने कि भाई जैसे कि कोई भी जैसे 1,20,000 की दे रहा है या 1,30,000 की दे रहा है, तो मैंने बोल दिया भाई मेरे को क्या कहते हैं 1,00,000 रुपये की मिल रही है, या क्या कहते हैं मेरे को 1,10,000 की मिल रही है। किसी ने हाँ भर ली, किसी ने मना कर दी, तो यही चलता रहा। ठीक है, कुछ दिन तक तो चलता ही रहा क्योंकि भाई मशीन ले रहे हैं, पैसे दे रहे हैं और जेब से पैसे जा रहे हैं, पैसे थे भी नहीं, तो ये रहा कि जितनी सस्ती मिल जाए उतनी बढ़िया। मैंने बोल दिया भाई GST मैं नहीं दूंगा कि मेरे पास GST नहीं, मैं कहाँ रिडीम करूँगा। और मैंने बोला भाई तुम अपनी GST कुछ भी काटते रहना बिल, मेरे को तो मशीन चाहिए, मेरा काम चलना चाहिए। और उन्होंने मैंने बोल दिया भाई आपको 6 महीने की जो इसकी वो वारंटी गारंटी जो भी होती है सर्विस, वो तो आपको देनी पड़ेगी। तो हाँ, तो सब भर ही लेते हैं मशीन के सर्विस के लिए बाद में, ठीक, बाद में पता चलता है कि हाँ ये पैसे भी लेंगे, वो बाद में ये भी लेंगे। तो ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप भी कभी मशीन खरीदने जाओ ना तो भाई इन बातों का पूरा ध्यान रखना, पूरी वीडियो देख लेना आखिरी तक क्या होता है। तो उसके बाद जब मैंने क्या कहते हैं मशीन मैंने खरीदी ये भाई इतने पैसे तुड़वाए GST कुछ नहीं दिया। मैंने बोल दिया भाई मेरे को यहाँ इतने की मिल गई। भाई मैं बताऊँ, सबसे पहले तो किसी पर भरोसा मत करो, ठीक है, पैसे आपके जाने हैं, पैसे आपके घर से जाएंगे, आपकी जेब से जाएंगे, ठीक, तो भरोसा करने की जरूरत नहीं है। जो कोई सस्ती देना आपको मशीन, नई मशीन मिलनी है आपको, ये तो है नहीं कोई पुरानी मिल रही है, नई मशीन लो और उससे बोल दो भाई जो नई मशीन जो आप क्या कहते हैं सर्विस भी चाहिए मेरे को, और जो इसकी जो स्टार्टिंग जो अगर कुछ गड़बड़ होती है 6 महीने के अंदर या साल के अंदर, वैसे 6 महीने की बोलते हैं, तो उसकी तो फैसिलिटी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने इसका कोई बिल विल नहीं लिया था कि भाई मैं इसका बिल ले लूँ, मैंने बिल लेने की जरूरत भी नहीं समझी, बिल का क्या करेंगे। जो बंदा था वो मेरे घर के कुछ किलोमीटर दूर ही था, अगर कुछ दिक्कत होती तो वहाँ चले भी जाते हो, तो ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं, मशीन काफ़ी सही थी और काफ़ी बढ़िया मशीन थी। तो हम तो उनका थैंक यू बोलते हैं कि भाई उन्होंने इतने कम सस्ती मशीन हमें दे दी। तो ये मेरे को पड़ी 95,000 की, लास्ट 95,000 की पड़ी, ठीक है। कोई बहुत सारे बंदे तो 1,00,000 रुपये भी अटक गए थे, 1,10,000 पे भी, 1,15,000 पे भी, पर जिस बंदे से मैंने ली ये 95,000 की मेरे को मिल गई थी, 95,000 की बिल्कुल नई मशीन मिली थी, ADF के साथ मिली थी, और साथ साथ इसके साथ मेरे को इसका UPS भी मिला था, इसका जो वो होता है क्या कहते हैं वोल्टेज होती है,
वो भी उन्होंने दी थी 95,000 के अंदर ही। तो वोल्टेज तो मैंने लगानी रखी, अब जरूरत नहीं है, वैसे सही चलती है लाइट, इतनी तो कोई दिक्कत होती नहीं हमारे यहाँ। तो भाई मशीन क्या है, मैं खुद लेके आया था अपने टेम्पो में, मैंने बोला था भाई मशीन भी मैं खुद उठा लूँगा, ठीक है। किराया कितना लगना था, 500 रुपये किराया लगना था, जाके उसमें टेम्पो लिया, ठीक है, जिसमें अपनी मशीन खड़ी होकर आ गई। लिटाने विटाने का कोई सीन नहीं है कि भाई गाड़ी में ले, गाड़ी बड़ी हो तो भाई आप खड़ी करके ला सकते हो, पर मैं तो क्या कह रहा था, मैं अपना एक टेम्पो ले आया, मेरे पास क्या इतनी बड़ी गाड़ी नहीं थी, एल्टो से मेरे पास टाटा की, तो उसमें तो आ नहीं सकती थी। तो मैं अपने इसमें मशीन को तो ले आया, ठीक है, और अगले ही दिन उनका बंदा आ गया सेट करने के लिए इसको, अगले दिन या उसी दिन ही आ गया था। तो मैंने इसमें वीडियो चैनल पर वीडियो डाली हुई है कि अनबॉक्सिंग की, ठीक है। तो भाई उन्होंने क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में तो इसके इंस्टॉल कर दी, बिल्कुल सेट वेट करके चले गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद मेरे को भाई नई नई मशीन थी, पहली बार मैं यूज़ कर रहा था, ठीक है, मैंने कहीं सीखी भी नहीं कि भाई कैसे क्या चलती है, तो नॉर्मली वो चला चलो के और सिखा के थोड़ा बहुत चले गए। उसके बाद मेरे पास क्या कहते हैं, नेट नहीं था, ये राउटर लगा हुआ ना मैंने लगवाया नहीं था, क्यों भाई जरूरत नहीं थी, अपने फ़ोन से हॉटस्पॉट करके काम चला रहे थे, ठीक है, और क्या कहते हैं, और इतना काम भी नहीं था अपना, जियो का था, अनलिमिटेड मिलता था उस टाइम, नया नया आया था, अनलिमिटेड तो पता नहीं मिलता था नहीं मिलता था, पर ये था ये 1.5-2 GB अपना बहुत रहता था। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने उनको बुलाया, मैंने जब ये राउटर लगवा लिया, ये वाला नेट वाला, क्योंकि ये ना वाईफाई से चलती है, पहले तार लगे हुए थे, तो मैंने बोला भाई कनेक्ट कर जाओ। तो भाई होता है भाई शुरू शुरू में तो भाई उनकी जिम्मेदारी होती है कि भाई मशीन क्या राउटर से, तो भाई वो क्या कहते हैं बंदा 500 रुपये ले गया, भाई मानना ही नहीं, कह रहे नहीं जी पैसे तो आपने देने पड़ेंगे, ये वो फलाना कि भाई हमारा बंदा है आप पे करके गया है। भाई जब पहली बार मशीन लिया तो उस पर पूरा तो सेट करके जाओगे, ठीक है, उस टाइम हमारे पास वो राउटर का ऑप्शन नहीं था, उसके बाद हमने लगा लिया, इतना तो करो, तो भाई 500 रुपये दे दिए, कोई नहीं चलो। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, 500 रुपये देने के बाद भाई इंक की बारी, इंक ख़त्म होने लग गई, इंक का मेरे को पता नहीं था कितने की आती है, 500 रुपये की आधा किलो इंक दे के जाते थे, ठीक। जब मेरे को धीरे धीरे मार्केट में जाके पता चला कि भाई 500 की नहीं है तो 300 रुपये की आ रही है, ठीक है, तो 200 रुपये उसमें वो ज़्यादा बताने लग गए थे, तो फिर 300 रुपये की बाहर से खरीदनी लेनी स्टार्ट कर दी, वही सेम जो वो दे के जाते थे। फिर और भी चीज़ भाई स्कैनिंग नहीं चल रही है, कोई सॉफ्टवेयर इसका, एक बार मेरा लैपटॉप रीसेट मार दिया था तो उसके 500 रुपये ले लिए थे कि भाई 500 रुपये में क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर सेट करके देंगे, और कुछ भी नहीं था ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। उसके बाद तो मैंने इतना वो मेरे पुराना चैनल था ना उस पर तो मैंने इतनी वीडियो बनाई थी, भाई बहुत सारे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ था, ठीक, तो चैनल तो हैक हो गया, काफ़ी बुरा लगा, पर कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बनाएंगे, एक बार इसमें 82 सब्सक्राइबर तो होएंगे, धीरे धीरे और भी बढ़ जाएंगे। तो भाई आप भी अगर कभी मशीन लेने जाओ ना, या भाई सिंगल बंदे से कभी मत पूछो, ठीक है, भरोसा मत करो किसी पे, जो भरोसा कर लिया तो भाई तोड़ेगा जरूर, बहुत कम रेयर बंदे होते हैं जो भाई क्या कहते हैं अपना जेन्युइन हो, ठीक है, भरोसा अगर किसी ने कर लिया तो कोई भरोसा तोड़े ना। तो मशीन लो तो भाई अपना 2-4 जगह जरूर पूछ लो, रेट पूछ लो, ठीक है, कंपेरिजन कर लो, अपना रेट बताओ कि भाई कितना है, जब पैसे देने की बारी बात आती है ऑन टेबल पे तो भाई कुछ ना कुछ तो कम होता ही है, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं हो रहा, सारी बात खुल के कर लो, भाई सर्विस कितनी दोगे, कैसे क्या होगा, पुर्जा कुछ ख़राब हो जाए तो रिपेयर कैसे करोगे, हर चीज़ A to Z सारी चीज़ पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पैसे आप दे दो। तो इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया, ठीक है, अगर और कुछ पूछना है तो वो भी आपको पूछ लेना, और वीडियोस तो क्या है डेली डेली कुछ ना कुछ आती रहेगी जो कि आपके लिए फ़ायदा करेगी, क्यों मैं तो अपना एक्सपीरियंस डेली शेयर करता रहूँगा, भाई मेरे साथ आज क्या हुआ एंड क्या कहते हैं आपके साथ वो चीज़ ना हो। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आती रहेगी। थैंक यू।